हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जीडीपी क्या होता है, देश की आय क्या होती है, ठीक है, इनकम क्या होती है देश की, दैट इज़ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है, ओके, एंड जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, या फिर आपका मार्केट प्राइस क्या होता है। जीडीपी हर किसी ने सुन रखा है, डेली न्यूज़पेपर्स में आता है कि अपना देश इतने परसेंट जीडीपी से आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उस चीज़ का क्या मतलब है। ये जो लेक्चर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इवन जिसका इकोनॉमी सब्जेक्ट नहीं है उसके लिए भी, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट हमें बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो ज़्यादा टर्मिनोलॉजी में ना जाके हम एक बार छोटी छोटी टर्म्स जो इसमें यूज़ होंगी वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, आपका कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक होटल खोलते हैं, ठीक है, होटल खोलते हैं, उसमें क्या किया, उस होटल के लिए आपने क्या ली, ज़मीन ली, या जो भी आपने रूम लिया या फिर आपने जो भी फ्लोर लिया, ठीक है, उसके लिए आपने बहुत सारी जो चेयर हैं, टेबल्स हैं वो भी ली, ठीक है, तो वो कैपिटल लग गया, ठीक है, लैंड आपने ऑलरेडी ले लिए, ठीक है। अब होटल पे जो लोग सर्विस करेंगे, ठीक है ना, तो वो आपको लेबर भी चाहिएगा, ओके, एंड जो भी आपका वहाँ से आप खाना बनाओगे उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिएगा। तो जब भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो ये चीज़ें ज़रूर से भी ज़रूर इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एनर्जी, रॉ मटेरियल लाइक स्टील एक्सेट्रा, तो इनको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कई बार फैक्टर गेट कॉस्ट भी बोल देते हैं, या फिर फर्म गेट भी बोल देते हैं, या फैक्ट्री गेट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जो ये हमने बोला कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, तो हमारी दो टर्म यूज़ होंगी, आपने सुनी होगी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, यानी कि लागत मूल्य पर जीडीपी, इसको लागत मूल्य भी बोल देते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो हमारी लग जाती है, ये चीज़ तो लैंड का आपको रेंट पे करना पड़ता है, लेबर को आपको सैलरी देनी पड़ती है, रॉ मटेरियल आप खरीद कर लाते हो, ठीक है ना, ये जो चीज़ें होती हैं ये इनको आप पे करते हो, इन सब का पेमेंट होने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचता है, ठीक है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करने के बाद बचता है। तो अब हम देखते हैं कि जो जीडीपी है हमारा दो चीज़ों पे निकलेगा, एक तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, जिसको एफसी बोलेंगे, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे, और एक मार्केट प्राइस पे, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि जीडीपी इंडिया में, यानी कि हमारी जो नेशनल इनकम है इंडिया में, वो किस पर मापी जाती है, नेशनल इनकम आपकी मार्केट प्राइस पर मापी जाती है, ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका जीडीपी, जीडीपी की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो हमें जीडीपी की ज़रूरत क्यों है, जीडीपी की ज़रूरत है कि हमारा देश कितना ग्रो कर रहा है उस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। दो कंसेप्ट हैं हमारे, एक इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो आर्थिक समृद्धि एवं विकास, आर्थिक समृद्धि क्या होता है और आर्थिक विकास क्या होता है, ये दोनों अलग टर्म हैं। जब आपकी क्वांटिटी में चेंज होता है, यानी कि नंबर ऑफ़ स्कूल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ़ गाड़ियाँ जो प्रोड्यूस हुई हैं वो ज़्यादा हो गई, मकान ज़्यादा बन गए, अस्पताल ज़्यादा बन गए, ठीक है, तो यानी कि क्वांटिटी, नंबर ऑफ़ चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जितने आपके अस्पताल बने या फिर स्कूल बने, तो उनमें कितना ज़्यादा एक तरह से क्वालिटेटिव स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिल रहा है, तो जब भी क्वालिटी वाला चेंज होगा उसको बोलेंगे डेवलपमेंट, जब क्वांटिटी वाला चेंज होगा उसको बोलेंगे ग्रोथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ हम किस तरीके से निकालते हैं, वो हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से निकालते हैं, ठीक है। तो ये जीडीपी अब क्या होता है, ठीक है, अब किसी देश में, ठीक है, जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, कार, बस, आपके कपड़े, या फिर होटल से जो सर्विस प्रोवाइड होती है, हॉस्पिटल से जो सर्विस प्रोवाइड होती है, ठीक है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस होती हैं विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर एक पर्टिकुलर कंट्री में, तो उसको बोलते हैं, उन सभी के एग्रीगेट को बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पादन। किसी भी देश की भौगोलिक सीमा, ठीक है, के अंदर वित्तीय वर्ष की अवधि में किया गया उत्पादन, चाहे वो किसी फॉरनर ने किया हो या फिर किसी डोमेस्टिक सिटीजन ने किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये फॉरनर और डोमेस्टिक सिटीजन क्यों लिखा है, अभी बताते हैं इसको। कुछ छोटी छोटी से कंसेप्ट देख लेते हैं आपका। जो अभी आपका यहाँ पे देखिए, जो जीडीपी है हमारी, ठीक है, एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, चाहे सिटीजन प्रोड्यूस करे या फिर फॉरनर। अभी अगर एक बात बताओ, यहाँ पे कितनी सारी एमएनसी हैं इंडिया में, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉरनर्स भी वर्क करते हैं, लेकिन क्या वो ये सैलरी, वो जो भी उनको सैलरी मिलती है, जो भी उनको इनकम मिलती है, क्या वो यहाँ पर देते हैं? ठीक है, या फिर हमारे जो आपके सिटीजन्स हैं, मान लो कोई सिटीजन है आपका सऊदी अरबिया में वर्क कर रहा है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक सिटीज़न यदि सऊदी अरबिया में काम करता है, उसका वेज सऊदी अरबिया की जीडीपी में ऐड होगा, लेकिन लीगली वह इंडिया का सिटीज़न है, तो उसकी सैलरी या इनकम जो इंक्लूड होनी चाहिए वो इंडिया में इंक्लूड होनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी इंक्लूड करने के लिए, ठीक है, एक्चुअली हम जीडीपी से कहाँ पहुँच रहे हैं, अपनी नेशनल इनकम पर पहुँच रहे हैं। हम नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, तो आपको वो देखना है। तो जीएनपी देखो, जीएनपी जो है आपका, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एम। अब ये एक्स माइनस एम क्या है? ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लो सऊदी अरबिया में जो पर्सन वर्क कर रहा था, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जितने भी लोग हमारे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो जितना यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी कि दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं, अगर हम उनमें से जितना भी उनका प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो माइनस कर दें, तो हमारा पूरा का पूरा निकल जाएगा। देखो जीएनपी कैसे निकलेगा, जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जो लेबर हमारा कहाँ पर एम्प्लॉयड है, दूसरे देशों में, उसमें से अगर हम वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ इनकम निकाल दें जो हमारे देश में से जा रहा है, ठीक है, तो आपका जीएनपी निकल जाएगा। यानी कि अभी तक जीडीपी में क्या था, आपका फॉरनर सिटीजन दोनों इंक्लूडेड थे, लेकिन जब हमने जीएनपी निकाला, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जब हम निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, नेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को जब एक्स आने वाले में से जाने वाले को माइनस करेंगे, तो हमारा नेट निकल जाएगा, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस टर्म को हम कई बार बोल देते हैं, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो हमारा जीएनपी किसके इक्वल हो गया, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है ना, तो ये मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, फॉर एग्जांपल कि 100 रुपीज़ जो बाहर से लोग वर्क कर रहे हैं वो कमा कर लेकर आते हैं, और जो 60 रुपीज़ यहाँ से लोग कमा कर लेकर जाते हैं, तो कितना हुआ, 40 रुपीज़ हमें बच गया। तो हम जीडीपी प्लस ये 40 अगर इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, जीएनपी। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमने क्या किया है, हमने जीडीपी के अंदर वाला डी को किस में कन्वर्ट किया है, एन। ठीक है, अब हम इस जी को भी एन में कन्वर्ट करेंगे, उस वो एन एनपी बनाएंगे, तो वो होगी आपकी नेशनल इनकम। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, आप क्या एक साल में जितनी भी मशीनें वर्क कर रही थी, जितना भी आपका, तो वहाँ पर टूट फूट भी तो हुआ होगा ना, कुछ ना टूट फूट हुई, आपने उसको रिपेयर कराने के लिए पैसे दिए, लेकिन जो वो टूट फूट हो गई, तो वो तो किसी को भी इनकम नहीं मिली। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, जीएनपी में से, ठीक है, जो हमने जीएनपी निकाली थी, अगर उसमें से वो टूट फूट का पैसा निकाल देते हैं, डेप्रिशिएशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, डेप्रिशिएशन बोलेंगे उसको, जो टूट फूट हो जाती है, तो उसको निकाल देते हैं, क्योंकि वो तो एक तरह से वेस्ट हो गई, वो किसी की इनकम में जुड़ी नहीं। तो जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन जब हम करेंगे, तो हमारा निकल कर आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है हमने बाजार मूल्य पर देखें, ठीक है,
बाजार मूल्य पर देखें तो इट मीन्स ये हमारी नेशनल इनकम है। हम जो नेशनल इनकम मापते हैं वो हम किस पे मापते हैं, मार्केट प्राइस पे मापते हैं। अब ये मार्केट प्राइस क्या है, मान लो आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, उनमें आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूडेड था, यानी कि आप अगर कोलगेट खरीदने जाते हो, ठीक है, तो उसमें उसका उसमें आपका टैक्स इंक्लूडेड है ना, ठीक है, तो जो अगर हम टैक्स इंक्लूडेड है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा मार्केट प्राइसेस। यानी कि कोई भी चीज़ जब बनती है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी बनी, सिर्फ प्रोड्यूस हुई, ठीक है, यानी कि लैंड पे लेबर का, वेजेस का, रेंट सब कुछ दे दिया, तो अभी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुआ, यानी कि फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने में कितनी लागत लगी, ठीक है, लागत के बाद उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं, तो फिर उस चीज़ की मार्केट प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। तो जब हम जीडीपी जो हमारा एनएनपी है उसको मार्केट प्राइस पर देखते हैं तो वो हमारा कहलाता है आपका नेशनल इनकम। लेकिन अगर जीडीपी या एनएनपी लागत मूल्य पर निकालनी हो तो हम निकालेंगे कैसे, ठीक है, इसका भी आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे देते हैं, आपसे ये नहीं पूछते कि ये क्या चीज़ है, डायरेक्ट दे देंगे, या तो फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, या फिर आपसे इक्वेशन को ही ड्राइव करना पूछ लेंगे। अभी देखो, जो हमारी जीडीपी थी, ठीक है, जो हमारी एनएनपी थी, नेट नेशनल इनकम, ठीक है, जो हमने मार्केट प्राइस पर निकाली थी, अगर इसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें और सब्सिडी प्लस कर दें, हम सब्सिडी क्यों प्लस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट, देखो जैसे एलपीजी का सिलेंडर है, ठीक है, तो उस पर गवर्नमेंट आपको क्या करती है, पहले से ही पैसे दे देती है कंपनीज को, ठीक है, तो वो पैसे तो गवर्नमेंट पहले ही दे रही है, तो अब गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 5% उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स ले लिया, यहाँ पे जस्ट मैंने एग्जाम्पल ले रही हूँ, और उसने 2% ओवरऑल सभी, जैसे एलपीजी पे सब्सिडी दे दी, या फिर फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स है गेहूं पर भी सब्सिडी दे दी, बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी दे दी, तो वो क्या करेगी, उसमें से 2% यहाँ पर क्या कर देगी, माइनस कर देगी, ठीक है, तो 3% हो गया, यानी कि उसने एक्चुअल में इनडायरेक्ट टैक्स कितना लिया है, 3% लिया है, तो वही तो निकालेगी ना वो मार्केट प्राइस में से, यानी कि आपके प्रोडक्ट में कितना टैक्स इंक्लूडेड है, अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अभी एक बात बताओ, अगर मैं इस वाली टर्म को यहाँ ले आती हूँ, इक्वल टू के इधर ले आती हूँ, थोड़ा सा मैथ है, अगर यहाँ पे ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो अगर आपके पास इक्वेशन इस तरीके से दी होती है, तो जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस किसके इक्वल हो जाएगा, आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट के बाद जितने भी जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं उसके बाद हमारा मार्केट प्राइस निकलता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जो मैंने अभी आपको बोला कि जीडीपी क्या जीएनपी के इक्वल हो सकती है, ये डी और ये एन, ये डोमेस्टिक था और ये नेशनल था, ठीक है, ये इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अगर इकोनॉमी क्लोज्ड हो, अगर क्लोज्ड इकोनॉमी हो। अब ये क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है अगर हम बाहर किसी भी देश के साथ, ठीक है, कोई लेन देन नहीं करते हैं तो उस इकोनॉमी को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो डेफिनेटली जीडीपी इक्वल टू जीएनपी हो जाएगी, क्योंकि वही नेशनल इनकम होगी, हमें बाहर से आने वाला जाने वाला वो चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीडीपी को निकालने के लिए, मैंने आपको इकोनॉमी के एक लेक्चर में बताया था कॉन्स्टेंट प्राइसिस का क्या मतलब है, बेस ईयर का क्या मतलब है, तो आई होप आपको पता होगा, ठीक है। तो हमारे जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जीडीपी को निकालने के लिए अभी हमारा कॉन्स्टेंट प्राइसेस कौन से ईयर पर बेस्ड हैं, तो आपके 2011-12 से, या फिर बेस ईयर कौन सा है आपका, 2011-12 बेस ईयर है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीडीपी कौन रिलीज करता है, ठीक है, जीडीपी आपकी रिलीज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इसके अंडर एक ऑफिस आता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस। मैं ये दोनों टर्म इसलिए यूज़ कर रही हूँ, अगर आपसे मिनिस्ट्री पूछी हो तो आप ये आंसर लगाओ, अगर सीएसओ ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप ये ऑप्शन लगाओ, क्योंकि जो सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस है वो आपका जीडीपी रिलीज करता है। ये हमारा हो गया जीडीपी, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं इसको।
ठीक है, जो मैंने आपको मार्केट प्राइस बताया है उसमें देखो, मार्केट प्राइस किसी कोई भी प्रोडक्ट बनता है यानी कि कंपनी से बाहर निकला, ठीक है, उसके बाद क्या होता है उस पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, सब टाइप के टैक्स लग जाते हैं। लेकिन अभी ये टैक्सेस तो आपके हैं नहीं, अब आपका एक ही टैक्स हो गया है सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के, जिसको बोलते हैं GST, ठीक है। तो वो GDP जब हम मार्केट प्राइसेस पर सॉरी जो नेशनल इनकम है यानी कि NNP, जब हम मार्केट प्राइसेस पर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। ध्यान रखना, ये आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये चेंज हुआ था, पहले हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालते थे, लेकिन ये आपका 2015 के अराउंड ये चेंज हो गया था, इन्होंने जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने चेंज कर दिया था इसको। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं इसको, देखो GDP क्या है हमारी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमने आपके इस डी को एन बनाने के लिए यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल निकालने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा पूरी दुनिया से बाहर से लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं उनको माइनस करके नेट निकाल लिया, नेट इनकम हमारी कितनी हो रही है अब्रोड से। तो GDP में जब हमने प्लस की तो हमारा क्या आ गया, GNP। अब इस जी को भी अगर हम चाहते हैं एन बनाना यानी कि नेट, देखो इसकी फुल फॉर्म ये एन जो है ये है नेशनल, इसकी फुल फॉर्म नेशनल है, और ये जी के आगे यानी कि जब यहाँ पे रिप्लेस होगा तो उसको बोलेंगे नेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम टूट फूट को बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखो मैंने GNP ना रख के यहाँ पर मैंने क्या किया, इस पूरी टर्म को यहाँ रख दिया, और इसमें से मैं अगर डेप्रिशिएशन भी निकाल देती हूँ, ठीक है, तो आपका क्या आ जाता है NNP, ठीक है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो अभी देखो ये तो हमारी नेशनल इनकम निकल गई, लेकिन हमारे हाथ में क्या आता है, हम जो हाउस होल्ड में रहते हैं उसके हाथ में कितना पैसा आता है, तो वो होती है हमारी पर्सनल इनकम, ठीक है, उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं पर्सनल इनकम वाला, लेकिन आपका इकोनॉमी ये जो नेशनल इनकम वाला पार्ट है वो हमें आपको बताना है पूरा। अब एक बात बताओ, कोई भी आपकी नेशनल इनकम हमारी निकल गई, अब जो गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ या किसी फर्म को फ़ायदा हुआ, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट तो आपके साथ देगी नहीं, आपको प्रॉफिट तो नहीं देगी ना वो, ठीक है, तो वो प्रॉफिट हम निकाल देते हैं यानी कि वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो किसी को नहीं दिया जाता वो अपने पास रखते हैं, ठीक है। अब जो प्रॉफिट इसने इस फर्म ने कमाया तो उस पे लगता है कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है। अब ये कॉरपोरेट टैक्स भी हमारे हाथ तो आने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास जाने वाला है इस नेट नेशनल इनकम में से ही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें क्या देती है, गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप भी देती है, प्राइजेस भी देती है, तो वो चीज़ भी तो इंक्लूड होती है ना। तो अगर नेशनल इनकम NNP में से अगर हम जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो निकाल दें, या फिर कॉरपोरेट टैक्स निकाल दें, या फिर आपने कोई लोन लिया हुआ है और आप उसको आप उसका ब्याज चुका रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट है वो भर रहे हो, तो वो भी आपके आपको देना पड़ेगा, वो भी हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम नेशनल इनकम में से माइनस कर देते हैं, और जो हमें गवर्नमेंट ने प्राइजेज या स्कॉलरशिप दिया है वो प्लस कर देते हैं, तो हमारे निकलती है पर्सनल इनकम, ठीक है। तो एक हाउस होल्ड के पास पर्सनल इनकम कितनी आती है, ठीक है, ये सब चीज़ें निकालने के बाद। अब लेकिन जो हमारे पास पर्सनल इनकम आई ना, उसमें से भी हमें देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है हमें पर्सनल इनकम में से, टैक्स, इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो एक्चुअल में हमारे पास जिस इनकम को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो इनकम क्या कहलाती है, वो इनकम कहलाती है आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगी, अब हमारी जो जैसे कि हमारे ऊपर कुछ फाइन वगैरह भी लग जाते हैं वो भी हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, या फिर हमारा इनकम टैक्स लग गया तो वो भी हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, उसके बाद जो इनकम आएगी वो हमारे पास बचेगी, हमारी मर्जी है हम उसको सेव कर लें या फिर उसको और चीज़ों पर कंज्यूम कर लें, कुछ भी जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम उसको यूज़ करें, ओके। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था आपका NNP, एक बार फिर से बता देती हूँ, NNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या निकल गई, नेशनल इनकम। तो
तो अभी जो हमारा ये टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, एक तरह से मैथमेटिकल फार्मूलेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसमें से अभी आप ये बात बताओ मेरे को कि मैंने आपको बोला कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, तो अब आपको कैसे पता लगेगा कितनी सर्विस प्रोड्यूस हुई है? ठीक है, कितनी सर्विस प्रोड्यूस हुई है, ये जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्जांपल ले लो, ठीक है, तो वहाँ से हमें कैसे पता लगेगा कितना क्या प्रोड्यूस हुआ है? तो नेशनल इनकम निकालने के हमारे मेथड होते हैं, ठीक है, तो वो हम मेथड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सॉरी, दूसरा हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी के सेक्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, देन आपका सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो ये अभी हमारा लेक्चर 2 लेक्चर्स में और पूरा हो जाएगा, उसके बाद हमारा नेशनल इनकम ख़त्म हो जाएगा और ऑलमोस्ट आपका इकोनॉमी भी, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी भी अभी आपका रहता है, जिसमें हम टैक्सेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको 2 टॉपिक ज़रूर करके जाने हैं, ठीक है। एक तो डीमोनेटाइजेशन एक बार पहले भी हुआ था, मोदी पहले नहीं है जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया है, यानी कि नोटबंदी जो है मोदी ने पहली बार नहीं की है। एक तो ये टॉपिक आप अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर करके जाना। दूसरा टॉपिक आपको क्या करके जाना है, देखो जितने भी ये चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना, जैसे अभी आपका 2014 में मोदी की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने जो ये बेस ईयर चेंज किया था, मैंने अभी बताया था 2011-12 में, वो भी आपको करके जाना है, ठीक है ना। प्लस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मैंने आपको कराई, क्योंकि ये भी आपका अभी चेंज हुआ था, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ही मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, उससे पहले ये चीज़ नहीं थी। तो जो भी चेंजेस हुए हैं आपके 2014 के बाद जितने भी, वो आपको ज़रूर करके जाने हैं, ओके। तो ये था हमारा आपका दूसरी चीज़। एक और बहुत 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 बड़ा चेंज हुआ था जिसको बोलते हैं GST, ठीक है। आप GST अच्छे से करके जाओगे कि कौन से टैक्स इसमें इंक्लूड हुए हैं, GST के अंदर आए हैं, GST का क्या स्ट्रक्चर है, ये आप ज़रूर करके जाना है आपको, ठीक है। क्योंकि आपका डीमोनेटाइजेशन, GST, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इनमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि आपका आ सकता है, ओके। वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ बताएं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था। ज़रूर बताना कि आपको ये टॉपिक समझ आया कि नहीं, ओके। थैंक यू।